इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात ये है बहन और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी, ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान हैं, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहां मेरे निषाद भाई परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बातें हम करते हैं, हम सिर्फ यही बातें करते हैं जिससे आपका मतलब है।